खुलासा में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के गौरीगामा गांव में पैसों की लेन देन के विवाद में रंजय शाह की कुछ लोगों ने इतनी बेरहमी से पिटाई की कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ईंट पत्थर से रंजय शाह को इतना मारा गया कि उसे SKMCH में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन भी किया और लोगों ने NH 77 को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला को शांत किया है। घटनाओं को लेकर 19 सैदपुर थाने में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सीताराम साहनी और कमलेश साहनी को अभियुक्त बनाया गया है। आरोपी पुलिस के पकड़ से अभी तक बाहर हैं। इस पूरी घटना की बयान उसकी पत्नी ने कैसे की? जो दुश्मन सा लागल है, यहाँ के दुश्मन सा मार दे। कहाँ गेल रहल ना? कौन गाँव? कौन गाँव बोली ना? दनकी। जब मार दे तो दुश्मन सा, तो हमारा कह कि तोरा चलते हमारा मतारी के न छोड़े जे हम जाये तैयो हम दैना दादा के राजवा के गिजे ते तू न जा। सब बात बोलिए शुरू से जे तैयो न बात बुझल राजवा हमारे वाला कही आओ खानी से निकल रजवा निकल ले रहल कल भोरे प्राण चुटत कुनी रजवा उठ के बैठ के उल्टी करके कहे की गे ई बोलू हमारा दाब दिल के वाई पर मारले हे पूरा देह थूर दिल कऊ। तो हम कहली जे कौन मारलो जे अबैत रह 15 दिन पर 8 दिन पर खोजे अबैत रह से हमरा सब से मरवल कऊ अपन मीरा के मारल। पहले अहाँ के नाम की अपने घर? हमारे दुखिया देवी नाम है। की होला अपने के साथ? बउआ के हमरा 3 बजे भोर में मार थूर के गिरा गिरा थूर के हमरा बउआ के बैठा दिलक इतना दूरा पर धो गेल। आ बउआ हमार कहरे आ गदा पारे तो हम सब सुतल रही तब हम उठ के अली हम हमार पुतो अलग उठ के तो जाके तो हम कही रे बउआ काला मारा पीटी कैले है कहा मारा पीटी कैले है तू? तो बउआ हमार ना कुछ बोले कहली रे बउआ बोले ना रे कौन कपार फोड़ दल कौआ ये अलग अलग बहुते बहुते थूर थार दल कौआ उघारे पगारे। आ बउआ हमारो नाते कह रे मारे कह आ हम कहली रे बउआ केकरा से झगड़ा कैले है कौन माल कौआ कहियो हमार बउआ न बताबे। तो कहल कहीं रे बउआ जे हमरा खटत रहलक ओहे हमरा इतना पीछा पड़ के हमरा मारलक है। घटना के बाद रंजय शाह के परिजनों ने मांग की है कि जो अपराधी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सीतामढ़ी से चंदन देव की खास रिपोर्ट।